नमस्कार, खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रीति। कहा जाता है कि किसी देश को इस आधार पर अच्छा माना जा सकता है कि वो अपने पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है, लेकिन इस लिहाज से तो अमेरिका को भी महान देश का दर्जा नहीं दिया जा सकता। चक्रवाती तूफान इरमा का कहर कम होने के बाद दर्जनों की संख्या में पालतू पशुओं को छोड़ दिया गया। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ कि ये पशु जान बचाने के लिए कहीं भी भाग नहीं सके, क्योंकि वे किसी ऐसी जगह पर बंद कर रखे गए थे जो कि पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। यूएसए टुडे में प्रकाशित सीन रॉसमन की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले दिनों मियामी फ्लोरिडा की सड़कें पूरी तरह निर्जन थी। हजारों की संख्या में लोग शेल्टर्स में उखड़ू बैठे रहे या अपने टूटे घरों में ही बचने के उपाय करते रहे, लेकिन अब दक्षिणी फ्लोरिडा के अधिकारियों का कहना है कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने फ्लोरिडा प्रायद्वीप में इरमा के आने के बाद अपने पालतू पशुओं को छोड़ दिया था। पाम बीच काउंटी की एनिमल केयर और कंट्रोल के डायरेक्टर डियान सॉस का कहना है कि फ्लोरिडा में इरमा आने से कुछ एक दिनों पहले ही एजेंसी ने करीब 40 श्वानों को पकड़ा था। इनमें से कई को बांध दिया गया था और दूसरे अन्य जानवरों के बाड़े में बंद कर दिए गए थे या फिर अन्य को यार्ड में बंद कर दिया गया था ताकि वे कहीं भाग न सके, लेकिन फ्लोरिडा के चिड़ियाघर से बंदरों को किसी दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया गया। सॉस ने कहा कि एजेंसी ऐसे सभी लोगों पर जानवरों के प्रति क्रूरता दिखाने के कानूनी मामले दायर कर सकती है अगर उन्हें पर्याप्त सबूत मिल सके और हम पशु पालकों का पता लगा सके, हालांकि ऐसा करना मुश्किल हो सकता है। उनका कहना है कि एजेंसी के शेल्टर में करीब 40 अन्य बिल्लियों और कुत्तों को आसरा दिया गया है।